मध्य प्रदेश के सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस द्वारा किसानों की समस्या को विशाल किसान सभा, किसान आंदोलन एवं तहसील का घेराव कार्यक्रम स्थानीय बस स्टैंड पर आयोजित किया गया। किसान सभा में किसान क्रांतिकारी नेता दामोदर सिंह यादव, तमाम दिग्गज नेता सूबे की सरकार पर जमकर बरसे। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में किसान मौजूद रहे। सभा के बाद हजारों किसान कांग्रेस नेताओं के साथ तहसील कार्यालय का घेराव करने पहुंचे और तहसील कार्यालय का घेराव किया। घेराव करते हुए किसान नेता दामोदर सिंह यादव डिप्टी कलेक्टर सुनील शर्मा को कलेक्टर को किसानों की समस्या को बारीकी से उठाया और ठोस आश्वासन दिया। प्रशासन को हजारों की संख्या में पहुंचे किसान एवं तहसील परिसर में खचाखच भरे किसानों को देखकर 7 दिवस के अंदर निराकरण करने का आश्वासन दिया। किसान सभा को संबोधित करते हुए दामोदर सिंह यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में किसानों पर भाजपा सरकार एवं नेताओं का उत्पीड़न बढ़ता ही जा रहा है। प्रदेश में किसान आज खून के आंसू रो रहा है। भाजपा की सरकार अपने आप को किसानों को हितैषी पार्टी कहती है। प्रदेश में किसान भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों के कारण अब खून के आंसू बहा रही हैं। दतिया से अनिल रजक के साथ दिलीप परलानी की एक रिपोर्ट। बिजली की समस्या बहुत गंभीर है। एक तो अघोषित विद्युत कटौती होती है और आंकलित बिल के हिसाब से खूब लूट खसोट कर रहे हैं, जबकि शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि हमने सारे बिल माफ कर दिए हैं। इसके अलावा पूरे चौड़ा विधानसभा क्षेत्र के 100 गांव में कम से कम 200 ट्रांसफार्मर फूके पड़े हैं। मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं कि बिल्कुल हर जगह उजाला रहेगा। उजाला कहाँ से रहेगा जब ट्रांसफार्मर फूका होगा? तो ये बिजली विभाग से संबंधित ये 3-4 मांगे थी। इसके अलावा सूखा राहत का पैसा आज भी 60-70% लोगों को यहाँ नहीं मिला है। पटवारी पैसे लेते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, तहसील में कोई सुनवाई नहीं होती है, एक ये मुद्दा था। इसके अलावा जो अतिवृष्टि हुई है, उस अतिवृष्टि से बहुत नुकसान हुआ है, उस अतिवृष्टि का राहत राशि दी जाए। इसके साथ साथ कच्चे घर जिन लोग गरीबों के हैं, किसानों के हैं, वो कच्चे घर भी गिर गए हैं, उनको राहत राशि दी जाए। नए उनके वो जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनके घर सेंक्शन कराए जाएँ। इन सभी मांगों को लेकर हम लोग यहाँ पर आज आए थे। इसके साथ साथ एक गंभीर विषय ये है कि पुलिस यहाँ पर चेकिंग के नाम पे लूट करती है। मैंने आज आरोप लगाया अपने भाषणों में, आप लोगों ने भी सुना होगा, और मैंने ये आरोप लगाया है कि पुलिस के पास जब पैसा खत्म खर्च का हो जाता है तो वो यहाँ पे तंबू गाड़ के और मोटरसाइकिलों की चेकिंग करने लगते हैं। तो ये लूट खसोट बंद होना चाहिए। इसके साथ साथ एक बच्ची अभी यहाँ पर आई थी, हमारे मंगरौल थाने से संबंधित जो गाँव है बीकमपुरा की, और उस बच्ची के साथ मारपीट भी की गई। और मारपीट ना सिर्फ दरोगा ने तो की, और दरोगा के साथ कोई 20 गुंडे भी आए थे, ये बताया गया। ये सारी गंभीर समस्याओं को लेके आज हम लोगों ने घेराव किया, और घेराव भी बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में। ये सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र की ही ये पूरी जनता है, जो खरेट आपका धीरपुरा से लेके और नीमराड़े तक की और ड्रोलीपार एरिया तक की पूरी जनता है। सब जगह के किसान आए थे, और वो किसान इसीलिए आए हैं कि अब हम किसी भी कीमत पर इस भ्रष्टाचारी अधिकारियों को नहीं सहेंगे। और इन सब का मेरे ऊपर आशीर्वाद है, मुझे स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, मैं आवाज लगाता हूं। तो इसी तरीके से हजारों की संख्या में सब साथी आके मुझे आशीर्वाद देते हैं, और जनहित की लड़ाई जो मैं लड़ता हूं, इनको घेराबंदी करके